सो गाइस, हम बेंटन के इस एलियन को बड़े अच्छे से जानते हैं। इस एलियन का नेम है गूप। इस एलियन के सर पे एक एंटीग्रेविटी प्रोजेक्टर रहता है, जिसकी मदद से ये एलियन कभी भी खड़ा रहता है। तो कभी ना कभी तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया ही होगा कि अगर गूप का एंटीग्रेविटी प्रोजेक्टर टूट भी जाए तो क्या होगा। तो इस पहली बात ये आती है कि गूप का एंटीग्रेविटी प्रोजेक्टर कभी टूट ही नहीं सकता, क्योंकि उसे ओमनीट्रिक्स ने बनाया है, ना कि किसी कावड़ी वाले ने। इसलिए उसके एंटीग्रेविटी प्रोजेक्टर टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ओमनीट्रिक्स की बनाई हुई चीज़ कभी ऐसी वैसे ही टूटती नहीं है। क्योंकि ओमनीट्रिक्स कुछ चीज़ बनाता है तो वो बहुत अच्छे से बनाता है, ना कि कुछ ही ऐसे वैसे बना लेता है। पर ऐसा किसी चीज़ से हो सकता है कि उसका एंटीग्रेविटी प्रोजेक्टर टूट भी जाए। तो अब हम जानने वाले हैं कि उसका एंटीग्रेविटी प्रोजेक्टर अगर टूट गया तो क्या होगा। तो इस ग्रुप के एंटीग्रेविटी प्रोजेक्टर टूटने पर ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि उसके एंटीग्रेविटी प्रोजेक्टर टूटने के बाद बैन अपने नॉर्मल रूप में आ जाए, क्योंकि अगर बैन को कुछ भी हार्म पहुंचता है तो बैन के लिए ओमनीट्रिक्स वापस बैन बना लेती है। इसलिए उसके एंटीग्रेविटी प्रोजेक्टर टूटने के बाद वो वापस उसके लिए बैन ही बना देगी। और फिर जब बैन बाद में ग्रुप में ट्रांसफॉर्म होगा तो ओमनीट्रिक्स ग्रुप के लिए एक न्यू एंटीग्रेविटी प्रोजेक्टर दे देगी। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो की थ्योरीज। आज की वीडियो में मैंने कोई कन्फर्म्ड आंसर नहीं बताया है, पर हमारी थ्योरी सच हो सकती है। तो हमारी वीडियो को आप लाइक कर देना और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है और आपको गूप कितना पसंद है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर कर देना। तो अब मिलेंगे एक और सम वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय। भैया जी, वो थोड़ा बस स्टैंड छोड़ देना। ठीक है।